तो भाई लोग आज के वीडियो में बात करेंगे स्वेटन का 12 SBS 200 स्पीकर के बारे में, जो कि 12 इंच का स्पीकर है, मिड बेस स्पीकर है और स्पीकर जो है वो 16 ओम्स का है। तो यहाँ पर हम इस स्पीकर के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे, स्पेसिफिकेशन हमें क्या क्या मिलते हैं स्पीकर में, स्पीकर का प्राइस क्या होगा मार्केट में, ये भी मैं आपको बताने वाली इस वीडियो में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि स्पीकर का RMS पावर क्या होगा, क्योंकि स्पीकर जो आता है वो 200 वाट AES पावर में आता है, तो इसका RMS पावर कितना होगा ये भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर दो स्पीकर मतलब कि एक टॉप के लिए हम कितने वाट का एम्पलीफायर लेंगे, चार स्पीकर मतलब कि दो टॉप के लिए हम कितने वाट का एम्पलीफायर लेंगे, आठ स्पीकर जो कि आता है चार टॉप में, तो यहाँ पर चार टॉप के लिए हम कौन सा एम्पलीफायर लेंगे, कितने वाट का लेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक एम्पलीफायर में यहाँ पर हम 16 स्पीकर भी चला सकते हैं, जो कि हमारा आठ टॉप में यहाँ पर गिनती होता है, तो यहाँ पर आठ टॉप भी हम एक एम्पलीफायर में चला सकते हैं। कनेक्शन कैसा रहेगा सारा चीज़ बताने वाला हूँ, कौन सा एम्पलीफायर रहेगा वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर है स्वेटन का 12 SBS 200, जो कि स्पीकर के पहले हम बात करते हैं डिटेल्स के ऊपर, स्पीकर में हमें क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्पीकर के मैग्नेट के ऊपर, स्वेटन कोलकाता यहाँ पर ब्रांडिंग दिया गया है जो कि काफ़ी सही है, और इंडियन स्पीकर है मतलब इंडिया का स्पीकर है जो कि कोलकाता में मैन्युफैक्चर होता है स्पीकर। यहाँ पर SBS सीरीज़ का स्पीकर है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन कर दिया गया है, और इसका मॉडल नंबर है 12 SBS 200 MB जो कि स्पीकर का मॉडल नंबर है जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 16 ओम्स 200 AES मतलब इसका पावर लिखा गया है, और स्पीकर का ओम्स भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। माइनस और प्लस का यहाँ पर टर्मिनल सॉकेट के लिए यहाँ पर आपको प्लस और माइनस यहाँ पर मैग्नेट के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं हम बात करते हैं इसके स्पीकर के फ्रेम के ऊपर, स्पीकर का फ्रेम आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मजबूत दिया गया है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। साथ ही साथ मैग्नेट काफ़ी अच्छा दिया गया है, और यहाँ पर फ्राइट मैग्नेट में आपको यहाँ पर स्पीकर देखने को मिलता है। स्पीकर के पेपर कोन की क्वालिटी की बात करें तो जैसे कि हम यहां पर अहूजा के 200 वाट के स्पीकर में देखने को मिलता है, तो लगभग लगभग सेम उसी टाइप से आपको पेपर कोन की क्वालिटी देखने को मिल जाती है इस स्पीकर में, जो कि आप यहां पर इसका एक्समास वगैरह सारा चीज देख सकते हैं, और स्पीकर कितना डीप है वो सारा चीज आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपको बेस भी इसमें काफी अच्छा मिल जाता है, और यहाँ पर टर्मिनल सॉकेट भी आपको देखने को मिलता है। पेपर कोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर रखी गई है, तो नो डाउट आपको साउंड जो है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी में मिलने वाला है इस स्पीकर के साथ, और यहाँ पर स्पाइडर भी आप देख सकते हैं, टर्मिनल सॉकेट वगैरह सारा चीज़ देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं स्पीकर के स्पेसिफिकेशन के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर सारा चीज़ हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्पीकर के स्पेसिफिकेशन के ऊपर, तो यहाँ पर नॉमिनल डायमीटर जो है वो 310 mm, जो कि 12 इंच का स्पीकर होता है। नॉमिनल इम्पीडेंस जो है वो 16 ओम्स का है, मतलब 16 ओम्स का एक स्पीकर है, और यहाँ पर पावर जो है वो 200 वाट AES पावर में देखने को मिल जाता है स्पीकर। कंटिन्यूस पावर जो है वो 400 वाट AES पावर में आपको स्पीकर देखने को मिलता है, मतलब इसमें 400 वाट AES पावर के अगर हम इसमें आउटपुट देंगे स्पीकर में तो भी आपका स्पीकर नहीं चलेगा, और सेंसिटिविटी 96 dB देखने को मिलता है। वायर मटेरियल CC AW, और यहाँ पर है वॉइस कॉइल डायमीटर जो कि 54.2 mm, मतलब कि 2 इंच का वॉइस कॉइल इसमें आपको देखने को मिल जाता है स्पीकर के ऊपर, और कॉपर क्लैड अल्मोनियम वायर का स्पीकर में यहाँ पर कॉइल यूज़ किया गया है, जो कि अहूजा भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पर वाइंडिंग आपको आउटसाइड मिलता है, मतलब कि आपको बाहर की तरफ आपको वाइंडिंग देखने को मिलता है वॉइस कॉइल के ऊपर, और यहाँ पर ग्रॉस वेट जो है स्पीकर का वो 7 किलो 570 ग्राम, मतलब कि एक बॉक्स के अंदर आपका स्पीकर और बॉक्स के साथ वेट अगर हम करेंगे तो अप्रोक्स 7.5 kg के आसपास होने वाला है। स्पीकर के वेट के बारे में बात करें तो अप्रोक्स आप मान के चलिए 6 kg के आसपास आपका स्पीकर बनने वाला है, अप्रोक्स बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो 6 किलो का स्पीकर होगा अप्रोक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ग्रॉस वेट कंपनी यहाँ पर 7 किलो 570 ग्राम यहाँ पर मेंशन कर दी है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके लोड कैलकुलेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए हैं, साथ ही साथ TS पैरामीटर भी आप यहाँ पर डिस्प्ले पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं यहाँ पर इसके लोड कैलकुलेशन के ऊपर कि हम इसमें टॉप अगर हम चलाते हैं, 1 टॉप 2 टॉप 4 टॉप या फिर 8 टॉप चलाते हैं, तो हम कितने वाट का एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्पीकर के RMS पावर के ऊपर, जो कि स्पीकर आता है 200 वाट AES पावर में, अगर हम इसको RMS में कन्वर्ट करते हैं तो स्पीकर जो RMS पावर में निकलता है वो 150 वाट RMS पावर में आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पर 150 वाट के ट्रू RMS में यहाँ पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें कि अगर हम दो स्पीकर
अगर ऐड करते हैं, मतलब एक टॉप में अगर हम दो स्पीकर के साथ अगर हम कंप्लीट एक टॉप बनाना चाहते हैं तो हम इसमें एचएफ, एक फिजो एचएफ यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप 20 वाट 40 वाट का आउटपुट उस टाइप से दे दे, उस टाइप का एचएफ आप यूज़ कर सकते हैं, लोकल मार्केट में भी आपको मिल सकता है, या फिर आप विदाउट एचएफ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम इस टाइप से अगर स्पीकर लगाते हैं, दो स्पीकर एक टॉप में, तो यहाँ पर एम्पलीफायर जो आपका रहेगा वो 300 वाट का आपको एम्पलीफायर देना पड़ेगा, और यहाँ पर आपका कनेक्शन जो रहेगा वो कॉमन्स और 8 ओम्स में कनेक्शन होगा, और स्पीकर का जो कनेक्शन होगा वो सारा चीज़ पैरेलल कनेक्शन होगा, जो कि प्लस में प्लस लगेगा और माइनस में माइनस लगेगा। तो ये आपका पैरेलल कनेक्शन हो जाता है और आपका एक टॉप कंप्लीट 8 ओम्स का बनता है। वहीं हम बात करेंगे चार स्पीकर, जो कि हमारा दो टॉप कंप्लीट बन जाता है। तो दो टॉप पैरेलल कनेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो 4 ओम्स के ऊपर लोड बनता है, तो यहाँ पर 4 ओम्स में यहाँ अगर हम चलाते हैं तो एम्पलीफायर हमें चाहिए 500 वाट का एम्पलीफायर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ स्टेंजर का पीवीटी 501, जो कि 500 वाट का बूस्टर एम्पलीफायर है। हम इसमें 800 वाट का लोड दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है एम्पलीफायर में। तो यहाँ पर हम फिलहाल 4 ओम्स के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर दो टॉप इस टाइप के स्पीकर लगा करके हम चलाएंगे, तो हमें जो साउंड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा प्रेशर से मिलने वाला है, साथ ही साथ क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इस टाइप से एम्पलीफायर लोड कैलकुलेशन करके चलाते हैं। तब हम बात करेंगे, बात करते हैं यहाँ पर हम 8 स्पीकर चलाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। तो 8 स्पीकर में जो आपका इम्पीडेंस बनता है वो पहले हम बात कर लेते हैं। तो आपका एक टॉप का इम्पीडेंस जो बनता है वो 8 ओम्स के ऊपर बनता है, मतलब एक आपका टॉप बनता है 8 ओम्स के ऊपर, क्योंकि आपका स्पीकर 16 ओम्स का है। पैरेलल अगर हम करते हैं तो 8 ओम्स का बनता है एक टॉप, अगर हम इसको चार टॉप को अगर पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो हमारा ओम्स बनता है 2 ओम्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे दो टॉप में आपका 4 ओम्स बनता है, और दो टॉप को अगर हम पैरेलल करेंगे तो आपका चार टॉप को मिलाकर के 2 ओम्स के ऊपर यहाँ पर लोड आपका बनने वाला है। तो 2 ओम्स के ऊपर आपका एम्पलीफायर होना चाहिए 1000 वाट का, कम से कम आप 1000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ करें। अगर आपके पास 1200 वाट का एम्पलीफायर है तो उसमें भी चला सकते हैं, अगर आपके पास 1500 वाट का भी बूस्टर एम्पलीफायर है तो उसमें भी आप चला सकते हैं, लेकिन आप क्लिपिंग तक मत जाइएगा, 0 dB तक जाइएगा, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी मिल जाएगा, स्पीकर भी डैमेज नहीं होगा। अगर हम वही बात करते हैं तो यहाँ पर 1000 वाट के एम्पलीफायर में भी हम चला सकते हैं, क्योंकि इसका लोड जो बनने वाला है आरएमएस मान में आपका 1200 वाट का लोड बन जाता है, तो हम यहाँ पर 1000 वाट के एम्पलीफायर में 8 स्पीकर चला सकते हैं कुछ इस प्रकार के स्पीकर, जो कि 16 ओम्स का स्पीकर होगा। पैरेलल कनेक्शन में आपका 2 ओम्स के ऊपर कनेक्शन होने वाला है चार टॉप का। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर एम्पलीफायर ले सकते हैं, स्टेंजर का पीवीटी 1000 भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पर आप देख ही सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर एक और एम्पलीफायर, जो कि हम यहाँ पर 8 टॉप चलाने वाले हैं, चार टॉप एक चैनल में, चार टॉप दूसरे चैनल में। अगर हम 8 टॉप चलाना चाहते हैं, एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप 8 टॉप चलाएंगे इस टाइप इस प्रकार से, क्योंकि 8 टॉप का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे टॉप लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो आप एक पेयर टॉप बनाएंगे या फिर एक टॉप बनाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दो टॉप बनाएंगे तो आप यहाँ पर दो टॉप के लिए 500 वाट यूज़ करें। लेकिन अगर हम वीडियो में बात करें तो हम अगर आप 8 टॉप अगर आप चलाना चाहते हैं तो 16 स्पीकर टोटल आपका हो जाता है 8 स्पीकर, मतलब 8 टॉप में। तो यहाँ पर कनेक्शन जो रहेगा वो चार टॉप एक चैनल में रहेगा, चार टॉप दूसरे चैनल में रहेगा 2 ओम्स के ऊपर। एम्पलीफायर जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्टेंजर का SPB 3K एम्पलीफायर में, चार टॉप एक चैनल में और चार टॉप दूसरे चैनल में हम चला सकते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर 2 ओम्स के ऊपर 1500 वाट का पर चैनल आउटपुट दे देती है और 2 ओम्स के ऊपर एकदम बिंदास रिकमेंडेड एम्पलीफायर है। तो आप इस एम्पलीफायर में कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आप इस एम्पलीफायर में चला सकते हैं इस टाइप के 8 टॉप, जो कि आपका साउंड जो है आप क्लिपिंग तक मत जाइएगा। थोड़ा सा कम लोड यहाँ पर आपका है, 300 वाट का हेडरूम बच रहा है आरएमएस पावर के हिसाब से, तो आप यहां पर क्लिपिंग तक मत जाइएगा, आप मीडियम साउंड में चलाइए, लगभग 80-85% के आसपास साउंड में चलाइए, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी आपको मिल जाता है। वहीं हम बात करते हैं यहां पर स्वेटन का 12 SBS 200 स्पीकर का प्राइस कितना पड़ने वाला है। तो मार्केट में प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली प्राइस बताने वाला हूँ, प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। प्राइस के बारे में बात करेंगे तो स्पीकर का जो प्राइस पड़ने वाला है वो 2200 रुपये से लेकर के 2500 रुपये के आसपास में आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा मार्केट में, और यहाँ पर प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, 2200 रुपये से 2500 रुपये में आपको एक स्पीकर का प्राइस पड़ने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।